नमस्कार, मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था और न्यूज क्लिक के सारे दर्शक को मैं स्वागत कर रहा हूं। और आज मैं बात कर रहा हूं भारतवर्ष का भूतपूर्व सांख्यिकी, मुख्य सांख्यिकी, फॉर्मर चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया डॉक्टर प्रणब सेन। और हमारे आज बातचीत के विषय भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था और ये दूसरी जो कोविड का जो लहर आए हैं, इसका क्या असर पड़ेगा भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था के ऊपर, भारतवर्ष का जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद के ऊपर, भारतवर्ष का मुद्रा स्फीति के ऊपर या इन्फ्लेशन के ऊपर और रोजगार के ऊपर, ये सारे विषय के ऊपर हम बात करेंगे। धन्यवाद प्रणब सेन जी, आपने आपका समय न्यूज क्लिक का दर्शक को दिया। मेरा पहला सवाल है ये जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। आप जानते हैं, आप अर्थशास्त्री हैं, ये बहुत कुछ नहीं बताते हैं, फिर भी अगर हम जीडीपी की बात करेंगे, भारतवर्ष के जीडीपी, हम देख रहे हैं कि पिछले वित्तीय साल में भारतवर्ष के इतिहास में पहला बार हम लोग जो अमरीकी भाषा में कहते हैं तकनीकी रिसेशन, यानी कि लगातार 6 महीना भारतवर्ष का जीडीपी गिरा, अप्रैल मई जून में लगभग 24%, 23.9%, उसके बाद और भी गिर गया और 8.6% जुलाई अगस्त सितंबर, उसके बाद गिरा नहीं, मगर पूरा साल अगर देखेंगे भारतवर्ष का सकल घरेलू उत्पाद नहीं बढ़ा। और ये आया 2 साल लगातार भारतवर्ष का जिस रफ्तार से, जिस गति से भारतवर्ष का जीडीपी बढ़ रहे थे, वो गिर रहे थे 2 साल लगातार, 8 तिमाही, और ये एकदम 7.1% से गिर के 3.1%। इस साल क्या होने वाले हैं? भारतवर्ष का जो वित्त मंत्रालय है, जो आर्थिक समीक्षा में, इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है, ये 2021-22 का जो वित्तीय साल में हमारे देश के जीडीपी 11% गए, भारतीय रिजर्व बैंक कह रहे 10.5% बढ़ेंगे। और अगर 12 महीना कैलेंडर ईयर अगर आज देखेंगे, आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वो कह रहे 12.5% बढ़ेंगे, मगर चीन से भी ज्यादा बढ़ेगा। ये मेरा कहना नहीं है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है। तो आप भारतवर्ष का भूतपूर्व सांख्यिकी थे, तो इस बार जो दूसरी जो लहर आया है कोविड की, बहुत लोग को लग रहा है ये सारे जो आंकड़ा और जो प्रोजेक्शंस लोग दे रहे, कुछ सही नहीं रहेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था के ऊपर जबरदस्त एक बुरा असर पड़ेगा। इस विषय के ऊपर आपका क्या कहना है? परंजय, पहले हमारे सब दर्शकों को नमस्कार। आप जो सवाल पूछ रहे हो, शायद ये सभी के जहन में होगा कि हमारी आर्थिक दशा क्या होगी आगे जाते हुए। उस पे जाने से पहले मैं कुछ समझाना चाहता, और वो है कि हाँ, ये आंकड़े आते कैसे हैं, ये कहां से इसकी जो डेटा है, जो आंकड़े जुगाड़ करके ये बनाए जाते हैं, ये आते कहां से हैं। और खेल की बात ये है कि हमारे देश में जो तिमाही एस्टिमेट्स होती हैं, वहां हमारे पास जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, उनका कोई आंकड़ा होता नहीं है। तो हम जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उनका जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होती हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। तो आप जो आंकड़े जो आपने जिस जो बोले, वो हमें क्या बता रही है कि खेती क्षेत्र के अलावा हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर ने कैसा किया,
खेती क्षेत्र का आंकड़े अच्छे हैं और वो सही मात्रा में हमें प्राप्त होता है। अब रही बात कि हम अनुमान करते हैं कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर के आंकड़े हैं वो लगभग सारे इकोनॉमी के लिए लागू होंगे। ज्यादातर ये सही अनुमान है, पर इस साल जो हुआ उसमें मेरे ख्याल से सभी को पता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर पे असर इतना बुरा नहीं हुआ जितना नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर, हम जो इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं, उन पे हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो आपने आंकड़े बोले कि पिछले साल के पहले तिमाही में 24% कटौती हुई थी, फिर दूसरे में 8% के करीब कटौती, फिर तीसरे में 1% से कम बढ़ौती, कर पुरा के आप अगर सारा साल जोड़ लें तो करीब 7-7.5% की कटौती। मेरे हिसाब से जो असली कटौती है इससे कहीं से आती है। पहले तो ये बात आप ये जरा आप सरल भाषा में जरा दर्शक को समझा दीजिए, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप भारत सरकार में भूतपूर्व सांख्यिकी थे, चीफ स्टैटिस्टिशियन से, ये आंकड़ा क्यों सही नहीं है? और आपने जैसे कहा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एक छोटा सा आंकड़ा मैं देना चाहता हूं, जो असंगठित क्षेत्र है भारतवर्ष के अर्थव्यवस्था में, हमारे पूरा GDP सकल घरेलू उत्पाद का लगभग आधा के आसपास आए, नजदीक है। और जब रोजगार की बात करेंगे, 90% से ज्यादा लोग का नौकरी यही अनऑर्गेनाइज सेक्टर या असंगठित क्षेत्र में है जी, पर उसके अंदर करीब आप 18% हटा के रखिए क्योंकि वो हमारे कृषि क्षेत्र का है, तो करीब करीब 30-32% की बात आप कर रहे हो। अब ये जो 30-32% है, ये आपने कहा 90% हमारे असंगठित क्षेत्र में है, वो 90% के करीब करीब 50% है कृषि क्षेत्र में और 40% है असंगठित, गैर कृषि असंगठित क्षेत्र में, जो करीब करीब 32% हमारे सकल घरेलू उत्पाद के अंश योगदान करते हैं। अब जो हुआ है पिछले साल में, ये असंगठित क्षेत्र कृषि क्षेत्र के अलावा इस पे भारी असर पड़ा है, बहुत ही भारी। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि जो वहां जिनकी रोजगारी वहां थी उन पे असर पड़ा। पिछले साल आपको तो याद होगा कि लोग कैसे शहर छोड़ के अपने गांव में पैदल वापस जाते थे। ये नहीं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारा काम था, पर कुछ भी हो, कुछ ना कुछ वहां काम उनको मिलता और उससे गुजारा चला देते। पर ये जो आंकड़े हैं असंगठित क्षेत्र के, ये हमें बहुत देर से मिल, ये हमें मिलेगा दो तीन साल के बाद। तब तक के लिए हमें इसमें कुछ नहीं पता। जो हमें थोड़ा बहुत पता है कि रोजगारी की क्या हालत है, और उसमें आंकड़े काफी गंभीर है, काफी सीरियस है। एक मिनट डॉक्टर प्रणब सेन, आप बहुत सारे विषय के ऊपर आपने बात किया, कृषि क्षेत्र पे बात किया, असंगठित क्षेत्र पे बात किया और रोजगार के बारे में बात किया। हम सारे विषय के ऊपर और बारीकी से आपसे सवाल मैं उठाऊंगा, उससे पहले एक चीज आपको मैं एक तरह से भविष्यवाणी करने के लिए, पिछले अभी अभी जो वित्त साल खत्म हो गया, जो 31 मार्च
2021 में जो वित्तीय साल खत्म हो गया, आपका क्या लग रहा है, सचमुच भारतवर्ष का जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कितना बड़ा, और इस वित्तीय साल में जो 1 अप्रैल शुरू हुआ और 31 मार्च 2022 तक चलेगा, क्या आपका अनुमान है कहां पे हमारे जीडीपी बढ़ने का क्या संभावना है? ये सवाल का जरा संक्षिप्त में आप जवाब दीजिए। अब इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि आप किसकी बात कर रहे हो। अब जब हम बढ़ोतरी देख सकते हैं कि पिछले साल के तुलना में क्या हुआ, या हम देख सकते हैं कि पहले काफी सालों को अगर हम एक साथ जोड़ के देखें उसके तुलना में क्या हुआ। अब जो 2021 में मेरे अनुमान से 19-20 के तुलना में करीब करीब 12% घटौती होगी असली अर्थ में, ठीक है। अब रही बात 21-22 की, अब 21-22 में पहले हमारा अनुमान था कि शायद 21-22 में हम करीब करीब 19-20 में हमारा जो सकल घरेलू पदार्थ था हम वहां पर वापस पहुंचेंगे। हाँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक समीक्षा ने 11% की बात किया, भारतीय रिजर्व बैंक ने 10.5% की बात किया, और कैलेंडर ईयर 2021 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उन्होंने कहा लगभग 12.5%, यानी चीन से भी ज्यादा, चीन का नंबर है आपका 8.5, मतलब भारतवर्ष चीन से भी, जिस रफ्तार से भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था बढ़ेगा ये चीन से। देखिए अब वो जो आप आंकड़े कह रहे हो ये है 2021 के तुलना में। अब 2021 में अगर आपका 8% घटौती हुई उसके ऊपर 10-11% बढ़ोतरी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप कह रहे 12% घटाती हुई, मैं कह रहा हूं 12% घटा। तो अब 2021 के तुलना में आप अगर 21-22 देखें तो वो शायद और भी अच्छा लगे, पर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कोरोना या कोविड का जो नया दौर चल रहा है, ये जो नई लहर आई है, इसका क्या असर पड़ेगा। मेरे हिसाब से इस समय हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि पहले के अनुमान से अब समस्या और बदतर हो गई है। कितना बदतर हुई है ये हमें आज नहीं पता, हमें इंतजार करना पड़ेगा कि ये कोविड का जो ये लहर है ये कितने दिन चलेगी और कितने लोगों का पर असर पड़ेगा। पर जो हम ये जरूर कह सकते हैं, अभी भी कह सकते हैं कि ये जो हम असंगठित क्षेत्र पे जो हमने असर जो पिछले साल देखा वो असर इस साल और भी बदतर होने वाला है। सवाल ये है कि इस साल जो संगठित सेक्टर है, जो कॉरपोरेशंस हैं, वो पिछले साल उन्होंने अच्छा किया था, इस साल वो अच्छा करेंगे या नहीं ये भी कहना मुश्किल है। मगर आप ये साफ कह सकते हैं पिछले वित्तीय साल में अगर हमारे भारतवर्ष का जीडीपी 12% गिरा, इस साल कितना बढ़ेगा ये कहना मुश्किल है, मगर ये बात आप साफ कह रहे हैं जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो असंगठित क्षेत्र है, इसके ऊपर असर जबरदस्त और बुरा असर पड़ेगा, ठीक जी। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस बार हम असंगठित सेक्टर में कृषि क्षेत्र को नहीं जोड़ रहे हैं, मगर आप जैसे कहा लगातार 2 साल हमारे देश का बारिश अच्छी, नॉर्मल मॉनसून जो कहते हैं अंग्रेजी में, तीसरी साल लगातार क्या बारिश अच्छी होंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह।
क्योंकि भारतवर्ष के इतिहास में देखिए ऐसा नहीं है कि 3 साल लगातार अच्छी बारिश हुई है, हाँ, मगर बहुत संभावना कम है। तो अगर 2 साल बहुत अच्छे, बेहतर, नॉर्मल बारिश गिरा तो इस साल बहुत कुछ बारिश के ऊपर निर्भर करता है, ठीक या नहीं। अब इस पे तो हम क्या कहें, ये तो भविष्यवाणी है, अभी हम क्या कह सकते हैं। इंद्र भगवान को मालूम है, उनके हाथों में है। पर अगर मॉनसून ठीक ठाक रहा और कृषि उत्पादन बढ़ी, पिछले साल करीब 3.5% बढ़ी थी, इस बार अगर मॉनसून अच्छा भी हो, मेरे हिसाब से 2-2.5% से ज्यादा नहीं होगा, होना मुश्किल है, लगातार आप 3.5 नहीं कर सकते। पर उससे बड़ी समस्या है अभी, और ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, पिछले साल क्या हुआ था। पिछले साल कोविड का प्रकोप हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां बिल्कुल नहीं पड़ा था, बिल्कुल नहीं, बहुत कम पड़ा, बहुत ही कम। और वो, हाँ, वो भी एक आधा। तो जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र है वहां काम काज धंधा सब बिल्कुल ठीक चल रहा था। जो लोग शहरों से वापस चले गए गांव में, उनको वहां काम मिले, वहां हमारे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम पे काम किया तो कुछ कुछ आमदनी हुई। और हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र है वो हमारे पूरे देश को अपने कंधों पे ले खड़ा हुआ। मैंने मनरेगा के लिए ग्रामीण इलाका में लोग अभी भी जी रहा है, यही आपको कहना? नहीं, ना ना ना, पिछले साल मैंने जो कहा जो उत्पादन हुआ था, अच्छा, हमारे कृषि उत्पादन 3.5% बढ़ी थी। और अगर आप अपना ध्यान वापस देखिए, आप क्या खुद क्या कर रहे थे, आपका जो खरीदारी थी वो आप कृषि क्षेत्र के खाद्य पदार्थ पे आप ज्यादा खर्च किए थे पिछले साल उससे पहले के साल के तुलना में। तो कृषि क्षेत्र पे प्रोडक्शन उत्पादन ज्यादा हुआ और उस उत्पादन का खपत भी ज्यादा हुआ, करके हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र वो काफी अच्छा किया था। मगर इस साल क्या इस साल पूरा कहानी अलग है क्योंकि अनुमान है, एक तो है सिर्फ ये जो कोरोना का जो महामारी है सिर्फ शहरी इलाका नहीं, ग्रामीण इलाका में ज्यादा से ज्यादा लोग को आज ये महामारी के असर पड़ रहे। दूसरी बात यह है, आप देखिए जो पिछले साल अप्रैल मई जून 24 मार्च के बाद लॉकडाउन के बाद जो करोड़ों लोग प्रवासी मजदूर बन गए थे, इस साल भी हम देख रहे हैं, शायद इतने लोग नहीं मगर बहुत सारे लोग शहर छोड़ के ग्रामीण इलाके में चला गया, ये चले गए हैं। और शायद क्योंकि अभी भी गाड़ी चल रहे शायद उतने ही गए हैं। फर्क इतना है कि पिछले साल सब एक साथ 2 हफ्ते के अंदर वापस चले गए, इस साल पिछले 2 महीने से वो वापस जा रहे हैं। हर रोज संख्या कम होगी पर संख्या आप सब पूरा जोड़ लीजिए कम नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा। और दूसरी बात यह है, तो मैं ग्रामीण क्षेत्र का कहना चाहता हूं कि अगर तो आप सोचिए कि इस साल हुआ क्या। एक तो आपके 5 राज्यों में इलेक्शंस हुई, जी जी है ना, वहां गांव-गांव में जुलूसें निकले, रैलीज हुई, उधर कुंभ मेला हुआ और कुंभ में ज्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्र से ही जाते हैं, ये सब वापस घर चले गए। तो अनुमान है कि इस बार हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कोविड का असर कई ज्यादा पड़ेगा। अगर वो हो और होने का आशंका है, तो पिछले साल जो ग्रामीण क्षेत्र ने हमारे देश को बचाया वो इस
साल शायद ना हो पाए। ये बहुत ही ये आपका जो भविष्यवाणी ये तो देश के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी आप तो वास्तव में जो हो रहा है इसी के बारे में आप बता रहे हैं न्यूज़क्लिक का दर्शक को। दो विषय के ऊपर मैं बातचीत करना चाहता हूँ। पहला बात है यही असंगठित क्षेत्र ग्रामीण इलाका में ये जो बेरोजगारी का जो आंकड़ा है, हमारे जो आंकड़ा मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ ये है CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का जो डेटा है। चार में इन्होंने कहा कि चार महीना में सबसे ज्यादा स्तर में बेरोजगारी का स्तर पहुंच गया 8% और 8% के आसपास अप्रैल महीना में, उसे पिछले महीना में मार्च महीना में 6.5% से। और वहां सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी का जो हेड है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है महेश व्यास जी, उन्होंने कहा कि लगभग ये अप्रैल महीना में, मार्च अप्रैल महीना में, ये दो महीना में कम से कम 70 लाख लोगों का नौकरी चला गया, ये उनका अनुमान है। और ये भी एक बहुत ही एक शायद इस विषय के ऊपर आप हमारे न्यूज़क्लिक का दर्शक को समझा देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन एरिया या शहरी इलाका में ज्यादा है और ग्रामीण इलाका में कम है। शहरी इलाके में 9.78% है और ग्रामीण इलाका में 7.13% है। ये जरा आप सरल भाषा में समझा दीजिए ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसमें कोई आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है। साधारण समय में भी आपके शहरी इलाकों में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी का रफ्तार, वो करीब करीब 4-5% होता है और ग्रामीण इलाकों में वो 1-1.5% होता है। अब आप सोच लीजिए जो नए आंकड़े आ रहे हैं वो क्या कह रही है। शहरी इलाकों में 4.5-5 से बढ़ के 9.5 हो गया, ठीक है ना, दस के आसपास पहुंच गया करीब करीब दुगना हो गया। और ग्रामीण इलाकों में 1.5% से बढ़कर करीब 5.5% हो गया। अब बोल रहे 7 के ऊपर चला गया, अब कह रहे कि 7 के ऊपर चला गया। तो आप सोचिए कि ये मात्रा कितना है। अच्छा, ये जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार हुए हैं, आप क्या सोचते हैं कि ये जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में ही थे वही वहां बेरोजगार हुए हैं? मेरे हिसाब से इनमें ज्यादातर वो हैं जो शहरी इलाकों में थे, गांव में वापस गए हैं, अब वहां बेरोजगार हैं। तो ये आप कह सकते हो कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी बढ़ा है वो शहरी बेरोजगारी का ही एक एक उनका एक 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 छवि हम देख रहे हैं, एक आईना में देख रहे हैं। और वो हाँ गांव डॉक्टर प्रणब जी या प्रणब सिंह जी, मेरा जो आखिरी सवाल है आपसे यह मुद्रा स्फीति के बारे में, क्यों इतने बढ़ रहे हैं? तो मुद्रा स्फीति अलग अलग तरीका से आप लोग आंकड़ा बनाते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो थोक मूल्य सूचकांक और जो उपभोक्ता ले कंज्यूमर प्राइस इंडिसेस अलग अलग है जो उपभोक्ता के लिए जो सूचकांक बनाते हैं, मगर लगभग अगर आप पिछले साल देखेंगे, पिछले जो वित्त साल है अप्रैल से मार्च तक अगर देखेंगे 2020-21, तो लगभग 6.9% के आसपास पहुंच गया था। फिर इस वित्तीय साल में जो अप्रैल में जून में हो रहे थे, लोग कह रहे थे कि ना इतना नहीं बढ़ेगा, कम हो जाएगा, लगभग 4.5% होगा। मगर हम देख रहे हैं कि अभी चुनाव खत्म हो गया, फिर दोबारा पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना शुरू कर दिया। तो मुद्रास्फीति क्यों इतना ऊपर है और
क्या होने वाला है, आपका क्या लग रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक चाहते हैं कि हाँ हमें बढ़ना चाहिए, ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ चाहिए, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ना चाहिए, मगर मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, इसके ऊपर अंकुश नहीं लग रहा है। इसका कारण क्या है, क्यों मुद्रास्फीति बढ़ रहा है? और आप जानते हैं, मैं जानता हूं, सारे लोग जानते हैं, जब मुद्रास्फीति बढ़ते हैं इनके असर गरीब के ऊपर ज्यादा पड़ते हैं, क्योंकि उनका जो खाद्यान्न है और जो भी खर्चा है, आवश्यक खर्चा है, वो उनका जो आय है उसका एक बड़ा हिस्सा होता है, और इसीलिए उनके ऊपर असर ज्यादा पड़ता है। और एक और काम करते हैं मुद्रास्फीति, अमीर और गरीब के बीच जो दुराई है, जो असंतुलन है, इनइक्वालिटी, ये भी बढ़ जाता है। ये विषय के ऊपर आप जरा कुछ कहिए। देखिए, ये इतना आसान नहीं है। आपने जो कहा सही कहा कि जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो ज्यादातर ये गरीबों पे असर ज्यादा होता है, पर इस बार क्या हुआ है? आपने जो पहला सवाल पूछा कि मुद्रास्फीति बढ़ी क्यों, इसका प्रधान कारण यह है कि हमारे जो असंगठित क्षेत्र है उसका उत्पादन बिल्कुल मर चुका, काफी हद तक मर चुका। तो आप अगर ये उत्पादन आपके बाजार पे ना आए तो खपत के तुलना में उत्पादन कम हो गया है। सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर, जो संगठित सेक्टर है, उनकी प्रोडक्शन हो रही है, जो असंगठित, जो हमने कहा 32% है, उनका उत्पादन अगर घट गया हो तो आपका डिमांड और सप्लाई में एक फर्क आ जाता है और उससे मुद्रास्फीति बढ़ता है। अब रही बात खाद्य पदार्थ, मैंने आपको कहा कि पिछले साल हमारे कृषि क्षेत्र में उत्पादन अच्छा हुआ था, पर हमारा खपत भी बढ़ गया था क्योंकि हम और कुछ खरीद नहीं पा रहे थे, हम खाद्य पदार्थ ज्यादा खरीदे थे तो खपत भी बढ़ गया था, तो उसमें मुद्रास्फीति जरा बढ़ी पर ज्यादा नहीं। इस बार जो हो सकता है और इसका हमें आशंका है कि अगर मानसून सही भी हो और उत्पादन भी ठीक हो, सवाल यह है कि अगर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लॉकडाउन हो या उससे भी खराब, अगर लोगों के दिल में दहशत हो तो हो सकता है कि ये जो उत्पादन है ये बाजार तक ना पहुंचे, ये हमारे जो शहरी इलाका है वहां तक ना पहुंचे। अगर वो हो जाए तो आप देखोगे कि मुद्रास्फीति और कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। आप कह रहे कि ये गरीब पे असर ज्यादा पड़ता है, पर सोच लो कि मैंने क्या कहा आपको कि आपका असंगठित क्षेत्र जो हमारे देश के 40% लोगों का रोजगार आता है वहां से, वो अगर बैठ गया हो, इन लोगों पे तो असर बुरा है ही है और वो जुड़ा हुआ है ये मुद्रा, ये जो घटा है इनका, इनकी आमदनी, ये मुद्रास्फीति पे असर कर रहा है, जो हम सप्लाई साइड से कहते हैं कि उत्पादन ही नहीं है, तो उनका तो बहुत बुरा हालत है ही है। अगर खाद्य पदार्थों का कीमतें बढ़ी तब असर और बदतर होगा। धन्यवाद प्रणब सेन जी, आपने सरल भाषा में समझाया बहुत कुछ, मगर जो आप भविष्यवाणी कर रहे हैं ये तो अच्छी बात नहीं है। आप कह रहे हैं जी इस बार जो आर्थिक संकट सिर्फ शहरी इलाका नहीं ग्रामीण इलाका में फैल जाने का एक बहुत बड़ा संभावना है, ये महामारी, कोविड महामारी के दूसरी लहर में, और असंगठित क्षेत्र और ग्रामीण इलाका में इनका असर ज्यादा पड़ने का एक बहुत बड़ा संभावना है। धन्यवाद, आप
भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था के ऊपर आपने समझाया न्यूज़पेपर दर्शक को, और आप लोग सुन रहे थे डॉक्टर प्रणब सेन से। प्रणब सेन जी फॉर्मर चीफ स्टेटिस्टिशियन ऑफ इंडिया, भारतवर्ष के भूतपूर्व सांख्यिकी थे, और आप लोग सब देखते रहिए न्यूज़पेपर। Thank you.